शिफिनकोट से बेघर हुए मजदूरों ने मजदूर संघ के बैनर तले पालिका प्रशासन के द्वारा तीन मजदूरों की आवाज तोड़कर सामान सड़क पर रखने के विरोध में नगर पालिका कार्यालय में जोरदार नारेबाजी की, साथ ही प्रदर्शन किया और बेघर मजदूरों को आवास देने की मांग की। लेकिन जब पालिका में कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया तो आक्रोशित मजदूरों ने शहीद भगत सिंह चौक पर जाम लगा दिया। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस जगह पे से ये अतिक्रमण हटाया गया है वहाँ पे पूर्व से ही बायोमेथेनेशन प्लांट प्रस्तावित है, जिसको हम बायोगैस प्लांट भी बनते हैं, जो शहर का जितना भी गीला कूड़ा है उस प्लांट में जाके उससे खाद बनेगी। और पूर्व से ही, पहले से ही वो जगह वहाँ पे प्रस्तावित है। हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ लोगों ने वहाँ पे झुग्गी बनाई है, तो पालिका अधिकारियों द्वारा उसको वहाँ पे हटाया गया है। और मेरे ख्याल से शहर के हित का कार्य है, क्योंकि जनहित में ये बायोमेथेन प्लांट बन रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये योजना है और इसके तहत ये प्लांट पालिका द्वारा बनाया जा रहा है। पालिका द्वारा किसी भी परिवार को उस स्थान पे नहीं बसाया गया। जिस स्थान पर उनको मौखिक रूप से बोला गया वो स्थान दूसरा था। उस जिस जगह पे बायोमेथेन प्लांट प्रस्तावित है वहाँ पर किसी को भी आश्वासन वहाँ पे मकान बनाने के नहीं दिए गए। इसके द्वारा कोई विस्थापन नहीं किया गया। ये सब खबरें गलत है, और क्योंकि ये जनहित का काम है, यहाँ पे वो प्लांट लगना बहुत अनिवार्य है, शहर हित में है, उसके मद्देनजर ये कार्य किया जा रहा है। देखिए, पालिका कोई व्यवस्था देगी कि अगर किसी का वहाँ पे से घर उजड़ा है तो वो आगे वार्ता करें और पालिका उनके विस्थापन की व्यवस्था करेगी। अभी वार्ता नहीं हुई, अब जब वार्ता करने आएंगे तो उसके बाद उनसे वार्ता करके इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। जो है कल की घटना है, और हमारा जो मजदूर था वहाँ पे, तीन चार परिवार रहते हैं वहाँ पे, और हमारे मजदूर सब रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चलाते हैं। तो इन्होंने, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जो है, जो संज्ञान में उन्होंने, जो लेबरों ने हमसे कहा है, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ने हमको भेजा और तोड़ दिया, और जो हमारे मजदूर वहाँ पे रहता था उनका सामान इन्होंने बाहर फेंक दिया, और इन्हें कोई वो भी नोटिस भी नहीं दिया कि भाई आप यहाँ खाली कर दो, आप दूसरी जगह वो कर लो, ऐसे कुछ नहीं बोला। सीधा गए, तोड़ा और इनका जो है सामान बाहर फेंक दिया। कूड़े में रह रहे थे वहाँ, कूड़े में भी नहीं रहने दे रहे। अब वो उनके बच्चे, उनके परिवार जो है सारे जो है रोड पे है। ये छः परिवार वहाँ पे थे, एक का इन्होंने तोड़ा, और तीन चारों को इन्होंने अल्टीमेट दे रखा कि तीन दिन में आप खाली कर दें। अब तीन दिन में खाली करके जाएंगे कहाँ? सारे शिफिनकोट से? जी हाँ, शिफिनकोट से हैं, और नगर पालिका ही माध्यम से वहाँ बैठे थे सारे। सर, अगर हमारे साथ ऐसा कुठाराघात होता है तो हमारा जो ये धरना चल रहा है, ये जो है जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता तब तक चलता रहे। पालिका अध्यक्ष जी से जब कल हमारे कुछ प्रतिनिधियों ने बात की तो उन्होंने कहा भाई ये तो हटेंगे, इन मैं कुछ नहीं कर सकता, जो तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। ये नगर पालिका अध्यक्ष जी के सवाल थे बोलने के। अब ये मनसा साफ नहीं हो रही है कि अध्यक्ष जी चाहते क्या हैं। अगर अध्यक्ष जी को, हम तो ये कहते हैं, अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि मजदूर यहाँ ना रहे तो एक नोटिस देते सारे मजदूर का, अपने घर चले जाएंगे, जब उनको मजदूरों से एलर्जी है। लगातार जारी रहेगा सर। पिछले कोरोना काल के अंदर जो है शिफिनकोट में जो मजदूर निवास थे, 85 परिवारों को जो है बेघर कर दिया गया, और उनको उस टाइम आश्वासन दिया था कि आपको जो है आईडिया जो बिल्डिंग है वहाँ बसाया जाएगा। अब जो है कुछ मजदूरों को वहाँ बसाया गया, लेकिन अब समस्या ही सरकार नगर पालिका ये कर रही है कि उन मजदूरों को जो है घर से जो है बाहर कर रही है, और वो मजदूर जो है दो दिन से जो है सड़कों पर है। तो नगर पालिका जो इस तरह की जो है, इन मजदूर संघ जो है, मजदूर संघ जो है डायरेक्ट नगर पालिका से जुड़ा हुआ संगठन है। ये मजदूर संघ को जो है टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, और तब जाके इनके रिक्शे घोड़े माल रोड पर चलते हैं। तो नगर पालिका दायित्व बनता है इन सर्वियों को इस समस्या का समाधान करना, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जो है अनुज गुप्ता जी इन मजदूरों को यहाँ से बेघर करने के चक्कर में कि मसूर में मजदूरी न रहे। इसी सवाल पे हमने कल इनको एक ज्ञापन दिया था कि अध्यक्ष जी ये समस्या है मजदूरों की, और आप जो वहाँ मजदूर निवास जो तोड़ा गया है उन पर मजदूरों को रखा जाए, तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और जब नहीं करी तो मजदूरों के अंदर आक्रोश है, सारे मजदूर जो है नगर पालिका में धरने पर बैठे हैं, और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ आपके साथ, नगर पालिका जब शिफिनकोट तोड़ा था इन्होंने, शासन प्रशासन ने, सरकार ने और नगर पालिका ने मिलकर, तो इन मजदूरों को जो आश्वासन दिया था कि बसा भी दिया गया था कि इन मजदूरों को जो है वहाँ आईडीएस बिल्डिंग में रखा जाएगा, और रह भी रहे थे मजदूर, लेकिन अब अध्यक्ष जी वहाँ से भी भगा रहे हैं, वहाँ से भी हटा रहे हैं।
इसी सवाल को लेकर जो तमाम मजदूर जो है उस पर धरने पर बैठे हैं और आगे की रणनीति का इन मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं होता और इनके आवास अगर खाली कराए जाते तो हम लगातार सारे संगठन मिलकर जितने भी ट्रेड यूनियन हैं सब एक साथ जो है माल रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अब नगर पालिका नहीं बैठेंगे, अब हम माल रोड झुलक घर पर बैठेंगे। ये रणनीति हमारे आगे की रही।